एसी का जो सेंसेक्स है इंडेक्स, वो 16 पॉइंट नीचे आया है। हाँ, और वो नीचे आया ठीक उससे पहले जब अरमान आए हमारे पास बताने के लिए कि बीएसई में तेजी के बड़े ट्रिगर्स क्या है। अरमान बताइए, इररेस्पेक्टिव ऑफ सेंसेक्स, बताइए बीएसई में क्या वजह है आज इतनी बड़ी तेजी होने की? सर, जेफरीज की जबरदस्त रिपोर्ट आती हुई दिखी है यहाँ पर। जेफरीज ने एक तो इनिशिएट करा है बाय, और उसके साथ साथ 2700 का टारगेट देते हुए दिखे हैं, जो कि मौजूदा भाव से 24% ऊपर तो है ही सही। पर जो उन्होंने इंटरेस्टिंग चीजें जो लिखी है वो काफी आपको जो है मजबूत आपको यहाँ पर देगी। उन्होंने सबसे पहली चीज ये कही है कि बढ़ते फाइनेंशियलाइजेशन के चलते यहाँ पर बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। उनका ये मानना है कि पिछले 6 महीनों में जो अगर आप देखें जो ऑलरेडी डेरिवेटिव टर्नओवर का इनका मार्केट शेयर देखें, वो 1% से बढ़कर 14% हो चुका है। आने वाली 4 तिमाहियों में ये जो मार्केट शेयर है वो बढ़कर 20% के आसपास हो जाएगा। अब इसका अंदाजा इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि कंपनी जो जो आप जेफरीज जो नोट दे रहे हैं उसमें वो बोल रहे हैं कि कंपनी के जो FY24 में मुनाफा होगा वो FY23 की तुलना में लगभग 150% ज्यादा होगा, और FY26 में जो मुनाफा होने वाला है वो FY24 की तुलना से भी लगभग दोगुना होने का अनुमान है, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव टर्नओवर है वो लगातार बढ़ रहा है और उससे जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कंपनी की लगभग 35% के आसपास जो आए हैं FY26 में, वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप FY25 स्पेसिफिकली बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव टर्नओवर जो है उससे आ जाएगी। और उन्होंने एक लाइन को वापस हाईलाइट भी किया है कि कंपनी जो है वो मल्टी ईयर एक्सपांशन पाथ पर है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है और सभी क्षेत्रों में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है उनको। तो मेन तो अभी बड़ा ट्रिगर तो एफएनओ का है, बिल्कुल डेरिवेटिव्स कितना 14% मार्केट शेयर हो गया। यस सर, 1% से बढ़कर 6%। जय किधर है? जय भी है क्या? जय का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। कौन कौन सा बैंकेक्स, मिड कैप इंडेक्स और कौन कौन सा सेंसेक्स? जय तो हर हफ्ते कोई ऐसा हफ्ता गया नहीं हो जब इनमें रिकमेंडेशन है। जय वॉल्यूम बढ़ रहा है इनमें? बिल्कुल अनिल जी, काफी बढ़िया ट्रैक्शन देखने मिला है अभी बीएसई सेंसेक्स ऑप्शन पर। खास करकर मैं कहूंगा कि इसमें 100 लाख प्लस का करोड़ का वॉल्यूम देखने मिला, और अगर देखती बीएसई बैंकेक्स में भी देखने मिलती तो 15 लाख करोड़ ऊपर का टर्न ओवर यहाँ पे भी अभी देखने मिला है। तो ये रिसेंटली एनर्जी 16 अक्टूबर से एनर्जी अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छा ट्रैक्शन बिल्डअप हुआ है। बीएसई बैंकेक्स सेंसेक्स में तो अभी मे से जो धीरे धीरे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, मई महीने से लेकर अभी तक अगर जी देखे हम तो एनएससी के लगभग अगर देखे तो 1/3 वॉल्यूम्स एनर्जी या उससे बेहतर वॉल्यूम्स ऑलरेडी देखने मिल चुके हैं, और आई एम एंटीसिपेटिंग के फर्दर यहाँ पे और आपको वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखने मिलेंगे, बिकॉज अच्छा वोलेटिलिटी उनके ऑप्शन को भी देखने मिली है। तो जो हरमान ने कहा है मैं बिल्कुल सहमत हूँ और भी यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स आते हुए देखने मिलेंगे। बीएसई ऑप्शन है तो बीएसई एफ एन ओ।